हाँ मस्त जोक मारा रे अलकट लो भाई। हाँ हाँ स्कीम तो बतानी क्या है आगे अपने पास है। हाँ यूजेज एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज मीन के इसकी खसूसियात, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, ठीक है। अब इसके ना देखो आपकी बुक ने ना तीन टॉपिक बना रखे हैं, ये सारे यूजेज में आ जाते हैं। पहला है टॉपिक इसके अंदर यूजेज का और प्रॉपर्टीज का, दूसरा टॉपिक है कैट स्कैनर का। वो जो कैट स्कैनर है वो भी इसकी एक यूज है, मेडिकल में एक यूज है। फिर नीचे इसके लिखे हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल इफेक्ट मीन उसमें बायोलॉजी में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों है, यानी कि वो भी इसमें क्या आ जाते हैं, यूजेज में ही हम इसे ले लेते हैं। अब ये सारा कुछ यूजेज में ही आ जाता है, लेकिन टॉपिक अलग अलग हैं क्योंकि अलग अलग ये सारे शॉर्ट में बन जाते हैं। अगर आपको जनरल में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या राइट दी यूजेज ऑफ एक्सरेस, तो आप सारे लिख देना, उसमें मेडिकल के भी आ जाएंगे, हमारी इंडस्ट्रियल भी आ जाएंगे, जो उसके अलावा यूजेज हैं वो सारे आ जाएंगे। और जब हम करेंगे इसके अंदर जस्ट एक स्पेसिफिक पूछता है कि कैट स्कैनर में ये कैसे इस्तेमाल होंगे या फलां जगह पर कैसे इस्तेमाल होंगे, तो फिर हम इसकी बात करेंगे अलग अलग टाइप की। देखो वो कहते हैं एक्सरे आपने डेली लाइफ में तो लाजमी देखी होंगी, देखी है? नहीं देखी। जो एक्सरे होती है वो एक्सरेज ही तो होती है। क्या होता है कि आपके पास, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और उसने आपको ऐसे लंबा डाल लेना उधर, और उसके ऊपर से इधर आपको ये राफे है, ठीक है, ये राफे है, राफे का बाजू टूट गया। अब डॉक्टर को क्या पता कि ये बाजू टूटा है या वैसे इसको दर्द हो रहा है, ठीक है, या ये गिर गया। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करवाता है, हड्डियों वाला ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक के बाद जब भी जाओगे ना वो कहेगा एक्सरे कराओ। जब आप एक्सरे करवा के भी ले जाओगे ना वो कहेगा नहीं ये गलत है, इत्थों कराओ, साढ़े वाली दुकान तो कराओ, साढ़े वाली दुकान का बंदा एक्सपर्ट है। इसके अंदर बड़ी एहतियात रखनी पड़ती है एक्सरेज की भी, उसकी वजह भी देखना। इधर ये जब इधर से क्या फेंकता है एक्सरेज, अब मुझे बताओ एक्सरेज हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सेकंड लास्ट बंदा है, एनर्जी कितनी ज़्यादा इनकी खुद सोचो, इतनी ज़्यादा एनर्जी वाली अगर ये रेज आपके बाजू पर पड़ेंगी तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू एच एफ। जब इतनी एनर्जी की रेज आपके बाजू पर पड़ेंगी तो ये पेनिट्रेट करने की इनके अंदर काफ़ी हद तक क्या होगी, सलाहियत होगी। ऐसे समझ लो ना कि आपके सामने ये दीवार है, ठीक है, अब इस दीवार के अंदर आप में से कोई बंदा मुक्का मारे, आप में से कोई बंदा बाल मारता है स्टील की, वो टकरा कर आ जाएगी। लेकिन अगर आप उस स्टील की बाल की क्या बढ़ाते रहो, एनर्जी मारना है ना, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी बढ़ाते रहो, एक ऐसा वक्त आएगा वो बाल क्या करेगी, गुजर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, ठीक है। ओ तो जब ये वाली चीज इतनी हाई एनर्जी की रेज जब आती हैं तो ये क्या करती हैं, आपकी बॉडी के ऊपर जो हिस्सा है, ऊपर क्या है आपका, ये स्किन है, मांस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यूज, ठीक है, सेल्स। ये होते क्या है असल में, ये चीज क्या होती है, ये चर्बी, लख लानत है, ये क्या होती है, बायो वाले कौन है, डूमरो, नहीं नहीं ये क्या चीज होती है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, नहीं होए, ये क्या चीज होते हैं, केमिस्ट्री में इनको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में, अच्छा जो लोग जिम जाते हैं वो क्या यूज करते हैं, प्रोटीन। मसल्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से, प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं, अमाइनो एसिड से। तो हम जो भी गोश्त खाते हैं वो कहते हैं नहीं जिम वाला पाया गोश्त खा, अंडे खा, ये खा वो खा, क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है प्रोटीन कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, किसमें, अमाइनो एसिड्स में। वही अमाइनो एसिड दोबारा रीबिल्ट होते हैं और रीबिल्ट होने के बाद क्या बनते हैं, प्रोटीन, जिससे आपके क्या बनते हैं, देन फिर मसल्स। और जो प्रोटीन्स हैं या अमाइनो एसिड्स हैं वो असल में क्या है, वो एटम्स है, सारी चीज़ें एटम है ना, वो क्या है असल में एटम्स, ये मुड़ा दे दो इसे, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्टली होते हैं ना ये अमाइनो एसिड, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का तो पता है ना,
जो कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं प्लस ऑक्सीजन के, हमारी बॉडी में वाटर भी है काफी हद तक, और वाटर के अंदर भी दो ही हैं, कौन कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये लाइटर एलिमेंट्स हैं। इनमें से एक्सरेज क्या कर जाती हैं, पास। अब जब पास करगी तो इसके इर्द गिर्द से तो पास करगी, अब जितना मोटा मेरा ये बाजू है, ये इतनी हड्डी है कि इसके ऊपर मास है, मास है, तो मोस्टली हिस्सा पेंट्रेट कर जाता है किसमें से, मास में से। जो हड्डी वाला हिस्सा होता है वो होता है हाई कार, वो हाई एटॉमिक नंबर, जैसे कैल्शियम है, इनमें से पास नहीं होता। तो फोटोग्राफिक प्लेट कैसी होती है, बिल्कुल ऐसे वाइट कलर की, वाइट होती है। क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर एक्सरे पड़ती है, या ऐसे समझ लो वाइट दीवार है, और इधर बिलाल को खड़ा करके इधर से थ्रो मारो, एक स्प्रे मारो ब्लैक कलर की, क्या होगा, जहाँ जहाँ बिलाल होगा ना वहाँ वहाँ स्प्रे नहीं होगी, वो हिस्सा क्या रह जाएगा, वाइट, और बाकी हिस्सा सारा क्या हो जाएगा, ब्लैक। ओए झुकते ना मारो यार, तो क्या होगा, ये वाइट है। अब एक्सरे जहां जहां पर लगेंगी ना वो हिस्सा हो जाएगा ब्लैक, और हड्डी वाला हिस्सा क्या रहेगा, वाइट। अगर आपकी हड्डी टूट गई, अगर क्रिच करके टूट गई, तो उसके दरमियान में क्या आ गए, क्रैक्स, क्रैक्स आ गए। अब वो क्रैक्स में वहां से वो एटम्स के बॉन्ड टूट गए, एटम नहीं है, तो वहां से एक्सरे क्या कर देंगे, पास। और जब पास करेंगे तो इस जगह पर वाइट वाइट हिस्सा नहीं होगा, ब्लैक हो जाएगा ना, वाइट से तो हड्डी बनी हुई है पूरी, ये देखो ये ऐसी होती है ना हड्डी ऐसे करके, ये नहीं। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा अगर सेंटर से टूटी है, ब्लैक, या अगर तिड़क गई है हड्डी, तो तिड़कने का मतलब ही क्या है, बिल्कुल एक माइन्यूट सा स्क्रैच आना, वहां से भी एक्सरे, क्योंकि ये तो बहुत छोटी है, वेव्स है इनका डायमीटर, तो इनका वो क्या कहते हैं साइज, तो वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो ये क्या करेंगी, वहां से भी क्या करेंगी, तो वो हिस्सा भी क्या आ जाएगा, ब्लैक। तो यानी कि एक सस्पिशियस सा पॉइंट भी ये क्या कर लेती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं। एक तो ये यूज आ गया हमारी मेडिकल फील्ड में, दूसरा इंडस्ट्रियल देख लेते हैं जी, इंडस्ट्रियल होती है वो आगे पढ़ने ना बायोलॉजिकल में। अच्छा इंडस्ट्रियल में क्या आ सकता है, वो कहता है सर इंडस्ट्रियल में ये है कि जैसे आपने आजकल देखे होंगे अंडरग्राउंड, ये जो आपके पाइप्स लगे होते हैं, या अंडरग्राउंड ये जो वायरिंग होती है, अब इसमें अगर किसी जगह पर कोई आ जाता है मसला, तो ये तो हमें नहीं पता लग सकता ना। अब देखो हमारे पानी का पाइप जा रहा है, वो लीक करेगा वो तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि वो पानी दीवार हो जाएगी। लेकिन अगर कोई गैस है, कोई ऐसा मटीरियल है जो पता भी नहीं लग सकता, तो उसको फिर क्या जुगाड़ लगाए, हम क्या करेंगे, परली साइड पर एक्सरे फेंकते रहेंगे, जहां पर तो एक्सरे जाकर पास कर जाएंगे, वहां से कि वो चीज क्या होगी, ब्लैक हुई, यानी कि वो चीज हड्डी की तरह हमें एक एक्सरे, एक्सरे का मतलब क्या है, हम एक्सरे को अपने जेन में वही बिठा के बैठे हुए हैं, एक्स रे क्या मतलब बना, कि वो एक काली सी आपके पास शीट आएगी और शीट पे सारा कुछ लिखा, फॉस्फेरिक मटीरियल होते हैं, फॉस्फोरस जैसे के होते हैं, ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगी उसके ऊपर, वो सारा कुछ आपको शो करवा देगी। फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल के अंदर एक और भी आ जाता है, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, जो बावली पर लेटे पड़े होते हैं, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े जहाजों के जो पर होते हैं ना, उनमें क्रैक्स, आपका पतंग है उड़ते उड़ते उसमें थोड़ा सा छेद आ गया, लेट्स सपोज थोड़ा सा छेद है, वो किसी हायर हाइट पर चला गया, अब क्या होगा, वो फट जाएगा फौरी, क्यों, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा चेंज डिफरेंस लेगा, कि आपको पता है आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा कि जहाज अपने प्रेशर, एयर प्रेशर की डिफरेंस से चलता है, तो अब जाहिर सी बात है एक जगह बहुत ज्यादा प्रेशर हो एक जगह, तो वो क्या करेगा, अगर जहाज के किसी पार में क्या आ जाता है, स्क्रैच, ये पार है ऐसे, ठीक है, इसमें कहीं पे स्क्रैच आ जाता है इसमें, या जो आगे वो लगा होता है क्या कहते हैं उसे, प्रोपेलर पंखा नहीं होता, उसमें कहीं स्क्रैच आ गया है। अब वो हमारी नेक डाई से हमें नजर, क्योंकि इतना माइन्यूट सा स्क्रैच है, हम उस पर क्या फेंकेंगे, एक्सरे, अगर तो कहीं पर वो हमें ये इफेक्ट मिल जाता है तो इट मीन्स कि वो है, और अगर नहीं मिलता तो वहां पर नहीं है। जहाजों के एक्सरे, ये थोड़ी ना जहाज को इसके ऊपर लंबा डाल लेंगे और कहेंगे आ जा फिर एक्सरे करें, कंप्यूटराइज चेकअप जो होता है ये सारा कुछ, मैं जो मीमकैट में पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड चीज होता है सारा कुछ, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक और इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास केमिस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशन है छोटे लेवल पर, यानी कि हम इसे ये कह लें ये इंडस्ट्रियल आ गया, हम रिसर्च में भी कह सकते हैं, रिसर्च वर्क में भी हम इसे यूज करते हैं। हाँ नहीं, इलेक्ट्रॉन गन में तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, फिर वो तो वेव्स बन गई ना, वो तो इलेक्ट्रॉन हो गए, हमने एक्सरेज में रहना अभी तक।
ठीक है। अब हमने किसको देखना है, एक्सरेज को। एक्सरेज किस में क्या है, तो एक्सरेज की सबसे फेमस अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 19 में भी पढ़ी थी कि एक्सरेज की वेरिफिकेशन कैसे हुई थी, डी ब्रोगली वाले में वेरिफिकेशन पढ़ी ना, डी ब्रोगली की वेवलेंथ वाला सारी कहानी। तो चैप्टर नंबर 9 जो है उसका लास्ट टॉपिक, आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक है वो, कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर जो एटम्स के दरमियान में इंटरप्लेनेट ये डी होता है स्पेसिंग, ये बिहेव करता है एज अ स्लिट। तो इनके दरमियान का डिस्टेंस हम, ये थोड़ी ना यहाँ पे आप लोग बैठे हैं सर, ये पॉइंटर के दरमियान दो दो एटम है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है 10^-10 है, नहीं पता लग गया। कैसे पता लग गया, जब कोई चीज़ जाएगी। अब बाकी चीज़ें इनसे क्या थी, बड़ी थी, कौन कौन जो हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ थी, लेकिन ये क्या थी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, वेवलेंथ छोटी थी। तो इससे हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि केमिस्ट्री में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या अपनी रिसर्च में भी अननोन मटेरियल्स को देखने के लिए भी इसे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस पैराग्राफ में आपकी सारी ये इस तरह की छोटी मोटी एप्लीकेशन आ जाती हैं, ठीक है। अगला अपने पास टॉपिक है साथ इससे रिलेटेड, CAT, कैट, बिल्ली स्कैनर, ठीक है। कैट का मतलब क्या, कैट का मतलब आजकल इसमें चेंज हो गया, ठीक है। पहले कैट स्कैनर होते थे, अब सीटी स्कैन होता है। हाँ, वो पूरी बॉडी का नहीं होता, वो उसमें डिपेंड करता है कि आपने किस हिस्से का करवाना है, मशीन में डालता है पूरे को ही हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस जगह का करना है। अब ये कैट स्कैनर क्या है, कैट का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड, ए का मतलब होता है एक्सियल, टी मीन टोमोग्राफी, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। एक्सियल का मतलब इसमें इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये तो लाजमी बात है कि बॉडी को वहाँ पर या बॉडी घूमती है या डिटेक्टर घूमते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या रोला था, ये हम तब यूज़ करते हैं, यार वो दरवाज़ा खोली मई, ये हम तब यूज़ करते हैं ये वाला, जब हमने कोई मोटे लेवल पर, जैसे मोटे की हड्डी टूट गई, तो मोटे की हड्डी के अंदर हल्का सा क्रैक हमें इधर से नज़र आ जाएगा, लेकिन आपने देखा वो ब्लरी सा होता है उसके अंदर, बस वो डॉक्टर को समझ आती है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। जिसे मोटा अपनी लात की हड्डी समझ रहा होता है वो हाथ की होती है, ठीक है, वो डॉक्टर को सिर्फ समझ आता है कि वो हड्डी कहाँ की है, ठीक है। तो वो वाली हड्डी जो है वो सिर्फ डॉक्टर को समझ आती है, हमें नहीं, क्योंकि वो कैसी होती है, ब्लरी सी। उसकी वजह क्या होती है, ब्लरी इफेक्ट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर इधर से रेज आ रही हैं तो वो रेज की आप स्लिट डाउन करते हो, पतली होती जाती हैं, तो वहाँ पर फिर कौन सा प्रिंसिपल शुरू हो जाता है, हाइजनबर्ग का, जिसकी वजह से अगर कोई चीज़ का साइज वेवलेंथ के क्या है कंपेरेबल, देन वो चीज़ डिटेक्ट हो सकती है। अगर वो थोड़ी सी बड़ी होगी और डायफ्रेक्शन ज़्यादा होनी शुरू होगी तो चीज़ क्या करनी शुरू हो जाती है, ब्लरी हो जाती है, वो जो हमने पीछे पढ़ा था। या हमने, आप कन्वेक्स लेंस ले लो, उसका आप बनाते नहीं डॉट सा किसी चीज़ को आग लगाने के लिए, तो अगर आप उसको आगे पीछे मूव करो तो वो डॉट भी क्या होता है, ब्लरी होना शुरू होता है, एक फोकस नहीं रहता। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर, इसकी हड्डी पर एग्जैक्ट उस जगह पर पड़े जहाँ पर हड्डी सिर्फ नजर आ रहा है, बाकी सब बिल्कुल क्या हो जाए, शार्प इमेज दे मुझे, तो मुझे यहाँ पर कैसी एक्सरेज फेंकनी पड़ेगी, एक्सरेज की बुछाड़ करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा हद तक। वो बुछाड़ होगी तो वो सिर्फ उतने हिस्से पर पड़ेगी, बाकी सारी प्लेट को वो क्या कर देगी, ब्लैक। तो जो वाइट हिस्सा बचेगा वो कैसा बनेगा, एकदम शार्प बनेगा। लेकिन ये क्या है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सरेज जब आपकी बॉडी आप एक्सप्लोर आप उसको फेंकोगे तो वो सारी बॉडी के सेल्स को क्या करेगी, डैमेज करेगी। उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये निकाल लिया, ये क्या करता है। अब हमें पता है कि जैसे हमने कंप्यूटर में पढ़ा चैप्टर नंबर 18 में, हमारे पास सेंसर्स दो लेवल्स पे काम करता है, यस और नो में, वन और जीरो में, वैल्यू आई तो वन, ना आई तो जीरो। वन भी हमने डिसाइड करना है और जीरो भी हमने डिसाइड करना है। अब इसके अंदर क्या सेटअप होता है, इसके अंदर सारा कुछ यही है, सारा ए टू जी सारा कुछ यही होता है, या इस तरह करके ऐसे एक होता है, ऐसे वो इसके आगे शेप होती है, यहाँ से अनस को ऐसे अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर सेटअप, कि इसके अंदर ना ऐसे मल्टीपल छोटे छोटे डिटेक्टर्स लगे होते हैं। अगर तो डिटेक्टर पर आकर पड़ी तो उसकी वैल्यू वन है, ना पड़ी तो, अब डिटेक्टर क्या है, कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल या वो सेंसर। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हमारी चीज़ तो हम तो समझ नहीं सकते, कौन समझेगा, कंप्यूटर। तो फिर क्या बनेगा इससे, सिग्नल, और वो कौन समझेगा, कंप्यूटर 01 की लैंग्वेज को, और सी का मतलब क्या देगा,
कंप्यूटराइज, तो इसलिए क्या बना कंप्यूटराइज। एक्सियल, एक्सियल बताता हूँ। अब बॉडी को जब अंदर रखना है ना, तो बॉडी जब अंदर रखनी है तो वो डिटेक्टर्स ने रोटेट होना है, या तो डिटेक्टर्स रोटेट होते हैं बॉडी के गिर्द, या बॉडी रोटेट होती है डिटेक्टर्स के गिर्द। ऐसे देखो, जैसे मैं और मेरे गिर्द डिटेक्टर लगे, या तो मैं घूमूँ टोटल अंदर पड़ा पड़ा, या मेरा मैं ऐसे पड़ा रहूँगा, मेरे गिर्द क्या घूमेंगे, तो मैं उसके कहाँ पर पड़ा हूँगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो इसलिए इसका दूसरा पॉइंट क्या आ गया, एक्सियल है। तीसरा है टोमोग्राफी। टोमोग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है, टोमू चोमू बेटे, टोमो, टोमो का मतलब है स्लाइसिस, ग्राफी का मतलब होता है ड्राइंग, ठीक है, स्लाइसिस की ड्राइंग। आपने कभी किसी ने सिटी स्कैन देखा है, सिटी स्कैन का वो जो पूरा है उसके अंदर कितनी इमेजेस होती हैं, हाँ 113, तेरा दिमाग खराब है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि ऐसे इतना बड़ा होता है वो, ठीक है, इतना बड़ा, उसके अंदर ना ऐसे 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 इमेजेस होती हैं। अब वो इमेजेस ऐसे ऐसे नहीं है, वो इमेजेस पता कैसे देखी जाती हैं, अलग अलग एंगल से वो इमेजेस बनी हुई हैं। अलग अलग एंगल मीन कि हमारी टोटल बॉडी के गिर्द एंगल कितना बनेगा, 360, ठीक है। वो डिटेक्टर्स कैसे घूमते हैं, हाँ इर्द गिर्द सारा कुछ, नीचे से क्यों जाएगा, इर्द गिर्द जाएगा, ठीक है। तो टोटल वो बॉडी के गिर्द 360 रोटेशन लेके आपको इमेज बनाता है, और हर पॉइंट पे वो क्या बना रहा होता है, स्पेसिफिक इमेज। देखो अगर कोई डिटेक्टर मेरे इस जगह है तो वो इस जगह की इमेज बना लेगा, अगर फर्ज करो दिमाग का, और इस जगह की इमेज बना लेगा। अब वो इस जगह का एंगल इतना वो क्या कर देगा, काट देगा। जैसे 360 को लेट्स सपोज आपके उसमें 16 इमेजेस हैं, तो 360 पर 16 पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जितना आंसर बनेगा ना वो एक हिस्से का एंगल आ जाएगा। समझ आ रही मैथ की थोड़ी सी। अब उसके बाद थोड़ा इस डिटेक्टर इधर आ जाएगा, फिर इधर इधर इधर, एक्सरेज कहीं ना कहीं से आ रही हैं जो सेंटर है वहाँ से। अब वो क्या करता रहेगा, पूरी बॉडी की क्या ले लेगा, एक कवरेज ले लेगा, और सबसे पहले न्यूज़ देगा आपको, ठीक है। पूरी कवरेज होने के बाद वो सारे पार्ट्स आ गए, ये देखो जी, ये बिलाल के सर का पहला पार्ट आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, सारे पार्ट्स आ गए। इन पार्ट्स को क्या करना है, आपने ये पहला रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे को जोड़ोगे तो कैसी इमेज बन जाएगी, एक पूरा दिमाग बन जाएगा, और वो कैसा बनेगा, खाली दिमाग, वो कैसा दिमाग बनेगा, 3D इमेज बना रहा होगा दिमाग के, जिससे आपको A to Z सारा कुछ क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई कहाँ पर, किस लोकेशन पर। देखो अगर अगर मैं ऐसे रख के बिलाल को ऐसे यहाँ से मुंह पे इस पर एक्सरेज मारूँ, ठीक है, नहीं कहना कहना मुंह तो इतना चपेड़ा खाने वाला, तुम एक्सरे मार, एक्सरेज मारूँ ऐसे, ठीक है। तो जब एक्सरेज मारूँगा तो बैक साइड पर सिर्फ एक इमेज आएगी, ठीक है, काली इमेज नहीं आएगी, लानती। देखो ये पॉइंटर है, लेट्स सपोज इसके ऊपर ये डॉट है एक रेड सा आपको नजर आ रहा है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मैंने इसको चेक करने दिमाग का हिस्सा है, और यहाँ से इमेज मारूंगा। अब ये हिस्से की जो पॉइंट होगा वहाँ पर, यहाँ तो वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, वहीं ज़्यादा क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इस पॉइंट के अलावा, बाकी ब्रेन सारा सही है, सिर्फ इतने हिस्से पर। अब ये हिस्सा मुझे वहाँ पर कैसा लगेगा, एक डॉट लगेगा, ये अगर इतना भी है ये वहाँ पर क्या लगेगा, एक डॉट लगेगा। अगर ये इस तरह है, जैसे ये दिमाग के इस तरफ है, तो यहाँ पर ये मुझे क्या लगेगा, एक डॉट। अब मुझे ये नहीं पता ये कितना फैला हुआ है, या ये जैसे कैंसर होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, वो कितना फैला हुआ है। अब इसको चेक करने के लिए क्या जुगाड़ लगाया जाता है, सीटी स्कैन। इसके अंदर क्या होगा कि ये अलग अलग स्लाइसिस बना देगा, ठीक है। अब उन स्लाइसिस को जब आप मुकम्मल जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा आपका दिमाग आ जाएगा। उसमें आपको ये पता लग जाएगी इस पोजिशन पर, इस लोकेशन पर लेफ्ट कितना फैला हुआ, और राइट, अप और डाउन, A to Z, यानी कि 3D पिक्चर आपको ये दे देगा। तो फिर पूरा क्या आ जाएगा, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैनर। स्कैन करेगा, प्रिंट कहाँ पर आएगा इसका, कंप्यूटर पे। और जब जाहिर सी बात है हम 3D इमेज तो निकाल नहीं सकते, तो कैसी निकालेंगे, 2D इमेज। वो 2D इमेज में क्या आएगा, सिर्फ वो आपकी वो 16 सी तस्वीर। लेकिन जो आजकल आ रही हैं ये वाले किधर गए, सिटी स्कैन, तो ये इसमें भी अब एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, 2D प्रिंटर और 3D प्रिंटर। 2D प्रिंटर क्या होगा, जो आपको इस तरह का इफेक्ट देगा। 3D प्रिंटर कौन सा होगा, महंगा होगा, चलो आप लोगों ने वो
एक फिल्म आई थी, नाम भूल गया मैं, ठीक है, उसके अंदर वो क्या करता है कि वो उसे जो चीज़ कहता है वो ऐसे बना के देता है। वो प्रिंटर कैसे होते हैं जिसमें बड़े बड़े प्रिंटर हैं, बल्कि वो यूट्यूबर है एक टेक बर्नर, उसने भी एक लगाया हुआ था, ठीक है, हाँ। तो वो क्या करता था, वो ऐसे जैसे तुम लोग बैठे हुए हो या बिलाल बैठे, इसकी तस्वीर मैंने खींच ली, अब इसकी तस्वीर क्या करेगा, मैं उसे कहूँगा कि प्रिंट करके दे, तो वो पहले इसको मुकम्मल क्या कर लेगा, स्कैन कर लेगा ऐसे करके, वो अपना शावर सा फेंक के, और उसे कहूँगा प्रिंट कर, वो क्या करेगा, उसके अंदर एक पता नहीं मटीरियल डलता है, वो मोम होती है पता नहीं क्या से प्लास्टिक सा, या जैसे ग्लू गन होती है, वो इतना सा एक पूरा सेटअप होगा, उसके गिर शू 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 करके वो चलेगी ऐसे ऐसे करके, और वो क्या बना देगा, इसकी पूरी एक ऐसी इमेज बना देगा, 3D इमेज, और उस इमेज को पढ़ना इस पूरी इमेज से क्या होगा, आसान होगा, एक जेरोक्स कॉपी बन जाएगी बिलाल की, ठीक है, कलर शलर फिर हम अपने अंदाज से सही कर लेंगे, हैं। लास्ट रह गया अपना, अपना कौन सा, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या होगा, मतलब वो बायोलॉजिकल अलग से पॉइंट बनाएगा ना उसने, ठीक है, बायोलॉजिकल में ना आपका मेडिकल ही आ जाएगा, लेकिन बायोलॉजिकल में हम फिर मेडिकल के साथ ना हम उसको भी डाल देते हैं, बायो में ना दोनों चीजें आ जाती हैं, और नहीं बायो में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, चलो बायो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स में दो चीजें हैं, एनिमल और प्लांट्स, दोनों एनिमल्स भी चेक होते हैं और इसमें प्लांट भी डिटेक्ट होते हैं, हम एनिमल्स हैं, ठीक है, हम तुम सब जानवर हो, तो कोई जब तुम्हें कहे ना तुम सब जानवर हो तो गुस्सा नहीं करना, हम जानवर ही हैं सारे, प्राण थोड़ी ना। अब वो कहता है कि ये बायोलॉजिकल में क्या होगा, देखो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं कुछ कुछ, इसमें ना सस्पिशियस सेल्स होते हैं जो किसी भी वजह से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसके अंदर मल्टीपल असरात हैं, जैसे कि मैंने आपको, मैंने स्टेटस भी लगाया था कि जो लोग अक्सर ये प्लास्टिक की चीज़ों में खाते हैं ना चीज़ें, तो इसमें फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं प्लास्टिक में, जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर फ्री रेडिकल का काम शुरू कर देते हैं और सेल्स को डैमेज करते हैं, जिससे आपके जेनेटिक कोड्स, जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, जैसे कि मेरी आंखें ब्राउन है, डीएनए में डिफरेंसेस, कई लोगों को कोई किसी का डीएनए किस तरह, उसको डैमेज करते हैं, जब सेल की आप देखो ना, आप एक प्रोग्राम के अंदर चेंज कर दो, कंप्यूटर वालों एक प्रोग्राम में कोई पंगा कर दो, वो प्रोग्राम बार बार क्या खुद ही क्रिएट करता रहे बग्स और वायरसेस, तो सेम वही चीज़ इधर हो जाती है, क्या होता है कि आपका वो सेल जो है वो एक को डैमेज कर देता है, और वो सेल अपना कोड भूल जाता है कि उसने जैसे काम करना था जो कि कुदरत ने उसे दिया था, उस कोड के मुताबिक वो क्या करता है कि नई किस्म के सेल्स बनानी, जो कि आपकी बॉडी का हिस्सा भी होते हैं लेकिन काम बॉडी के मुताबिक नहीं करते, हम उन सेल्स को ट्यूमर भी बोलते हैं और कैंसर सेल्स भी बोलते हैं। अब वो जो ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि ट्यूमर फैलता नहीं होता, ट्यूमर एक जगह पर रहता है, जब वही सेल्स फैलना शुरू हो जाए तो वो कैंसर कहलाता है, समझ आ रही बात की, ट्यूमर सिर्फ एक जगह पर रहता है बस काम नहीं करते वो सेल्स, वो ट्यूमर होता है, सेल कैंसर क्या होता है कि काम करते हैं लेकिन काम कैसा करते हैं, गलत उल्टा काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कैंसर। अब लेट्स सपोज ये आपकी बॉडी है पूरी, इसके अंदर ये इतने हिस्से के आपके जो सेल्स हैं ये कौन से हैं, ट्यूमर सेल्स, ठीक है। अब आप इन, चूंकि ये हाई एनर्जी रेज हैं तो ये सेल्स को क्या कर सकती हैं, डेड, क्योंकि सेल्स स्मॉलेस्ट लिविंग पार्टिकल इज कॉल्ड सेल, तो आपने रेस फेंकी तो ये रेस क्या करेंगी, इतने हिस्से को क्या कर देंगे, डैमेज, तो ये सेल क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और डेड होने के बाद हमारी बॉडी से सेल्स उतरते हैं। आप सल्लम ने फरमाया कि रात को जब आप सोने लगो तो अपने बिस्तरे को कितनी बार झाड़ो, तीन बार। तीन बार झाड़ने के पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न नहीं थी पता था आप लोगों को, आप पता है क्या रीज़न है, कि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जब आप तीन बार बिस्तर को झाड़ोगे उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जब आप रात को सोते हो तो हमारे डेली के पता नहीं हजारों सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं, डेड सेल्स वहीं गिर जाते हैं और नए सेल्स बन जाते हैं। देखो अब मैं चल फिर रहा हूँ तो मुझे पता है मेरे सेल्स गिर जाएंगे, नीचे गिर के कोई मुश्किल नहीं, जब मैं रात को सोऊंगा तो उस वक्त जो गिरेंगे वो सारे कहाँ गिरेंगे, बिस्तर पर, तो अगले दिन अगर मैं उन्हें झाड़ूंगा तो वो नीचे गिर जाएंगे और बिस्तर क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तीन बार, यह साइंटिफिक रिसर्च है कि एटलीस्ट, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि एटलीस्ट कितनी बार बिस्तर झाड़ो तो वो ख़त्म होते हैं, तीन बार झाड़ोगे तो वो बिस्तर से ख़त्म होंगे, दो बार झाड़ने पे वो ख़त्म नहीं होंगे। तो आप सरकार ने सिर्फ उस वक्त आपको उसकी क्या कहते हैं, एक नसीहत फरमा दी, जैसे हम लोग हैं हमें अंडरस्टैंडिंग और साइंस ने इस चीज़ को क्या किया, बाकायदा प्रूफ किया है, तो तीन बार झाड़ोगे तो वो ख़त्म होंगे। अब ये सेल्स क्या करते हैं, हम इन्हें क्या करना चाहते हैं, ये ट्यूमरस सेल है, हम इन्हें चाहते हैं क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब इनको ख़त्म करने के लिए हमने इनके ऊपर क्या फेंकी,
एक्सरेज, अगर तो आपकी एक्सरेज टारगेट है उसी जगह पर गिरते हैं तो सेल को, लेकिन अगर आपकी एक्सरेज क्या कर जाती हैं किसी और जगह पर भी गिरती हैं, या लेट्स सपोज कि ये तो चलो डेड हो गए, आप किसी और चीज़ का एक्सरे करवाने के अपनी हड्डी का, और वो एक्सरेज क्या ज़्यादा रेज वाली आ गई, और आपको पता है कि एक्सरेज मैक्सिमम साल में 2 बार अलाउ होती हैं, 2-3 मैक्सिमम, 2-3 बार एक जगह से एक पॉइंट पर ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए, एक ही जगह की एक्सरेज 2-3 बार ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए, सेल्स को डैमेज करती हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर चूँकि ये चीज़ होती है, इनको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाकर रिएक्शन शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी इनसे मिलके बनी है, ये जब रिएक्शन शुरू करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि सेल्स को क्या बनाना शुरू कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी कि जो सेल्स सही थे एक्सरेज की वजह से क्या होंगे, डैमेज हो गए, अब वो क्या बन सकते हैं, ट्यूमर भी बन सकते हैं, ठीक है, और ट्यूमर क्या करता है वहीं रहता है, अगर ये कैंसरस बन गए तो ये क्या करते हैं, ये फैलेंगे, ये क्या करते हैं डिवीजन पे डिवीजन करने शुरू कर देते हैं, क्या होते हैं बड़े हुए 2 बन गए, वो 2 बड़े हुए 4 बन गए, वो 2 बड़े हुए 8 बन गए, और आपने देखा हो जिन लोगों को कैंसर होता है स्किन कैंसर या इस तरह का, तो उनकी स्किन के ऊपर ना लोथड़े से बन जाते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ यही में आ जाता है, ठीक है, जैसे कि कहीं पर भी किसी चीज़ का कैंसर होता है तो वो ऐसे गिल्टियाँ शिल्टियाँ बन जाती हैं वहाँ पर, ये सारा कुछ किस में आ जाता है, कैंसर में आ जाता है, तो अब ये इनको क्या करना है, डेड करना है, लेकिन अगर टारगेटेड है तो ठीक है, अगर टारगेटेड नहीं है तो वो फिर क्या करते हैं बाकी सेल्स को भी क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं और अपने जैसा बना लेते हैं, तो इनसे बचना भी चाहिए, मतलब यहाँ पर एडवांटेजेस भी है कि ये ख़त्म भी करते हैं और डिसएडवांटेज है ये बनाते भी हैं, ठीक है, तो हम जो एक्सरेज ऐसे ही लल्लू पंजू से करवाने चले जाते हैं ना इधर, उन्हें नहीं पता होता कि किस रेस की किस इंटेंसिटी की फेंक रही हैं, किस शिद्दत की फेंक रही हैं, ज़्यादा एनर्जी की फेंक रही हैं, कम एनर्जी की फेंक रही हैं, तो वो क्या करती हैं नुकसान देती हैं, तो अच्छी वाली सही कौन सी होती हैं, वो यही वाली होती हैं टारगेटेड, जो अगर कैंसर के सीन है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर हड्डी उड्डी का मसला है यो, तो चूँकि वो बड़ी चीज़ है, हड्डी बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके ऊपर अगर आप हल्की इंटेंसिटी की भी फेंक दोगे तो वो हड्डी के क्रैक्स ईजिली क्या करती है बता देती है, लेकिन जब हम छोटे लेवल पर चले जाते हैं और टारगेटेड लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर ये बचा भी सकती हैं और नुकसान भी दे सकती हैं, ठीक है जी, तो ये हमारे आज के सारे कहानी किस्से थे, ये बायोलॉजिकल इफेक्ट में इसके एडवांटेजेस भी आ जाते हैं, इसमें आपका फिर वो जेनेटिक कोड जो मैंने आपको बताया उसको भी ये क्या कर सकती हैं डैमेज, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा जो वुमेंस होती हैं प्रेगनेंसी में उनके ऊपर जब ये इफेक्ट होता है तो उनके जो आगे ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं बच्चे जो होते हैं वो एबनॉर्मल एम्ब्रियोज वो कैसे अबनॉर्मल से पैदा होते हैं, तो अब उनसे अब इसीलिए तो फिर हमने वो एक्सरेज वाला काम छोड़ के वहाँ पर क्या रिप्लेस किया अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या है वो उससे ज़्यादा बेहतर है अल्ट्रासाउंड, लेकिन अल्ट्रासाउंड के अंदर साउंड वेव्स होती हैं जो कि अल्ट्रा लेवल जो इंसान को सुनाई नहीं देती, तो वो डिटेक्शन से बताती हैं लेकिन उनकी इमेज इतनी ज़्यादा साफ नहीं होती, तो वो भी होती हैं लेकिन वो उसका नुकसान कम है, लेकिन इनका नुकसान क्या है ज़्यादा है, तो जिन लोगों के अक्सर ये हो जाता है तो उनके जो जेनेटिक कोड्स हैं वो क्या हो जाते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनसे बच्चों में क्या हो जाती है हाँ ये वाला इफेक्ट आ जाता है, और बच्चों किसी के कान चार हो जाते हैं, किसी के कान के ऊपर कोई मतलब के कान कट जाता है ना, ऐसे होंठ कटे होते हैं, तो ये सारा कुछ इस चीज़ में चला जाता है, तो इस चीज़ से बचना भी चाहिए आप लोगों को, सही है, कोई और सवाल हो, एमआरआई और चीज़ होती है, MRI होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो क्या होती है कि वो दिमाग की होती है, दिमाग की और बैकबोन की, ये हमारा जो दिमाग है ना इसके अंदर ना जो चार्जेस मूव करते हैं इनकी वजह से चार्जेस के फ्लो से क्या बनती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस आप ये नहीं अब तू मत्थे के साथ मखनातीस लगा ले क्योंकि मेरे मत्थे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नहीं चिपकेंगी, ये कैसी होती हैं बहुत वीक होती हैं, तो क्या होता है कि वो हम जब MRI करवाते हैं तो उसके अंदर जो डिवाइस होती है वो इन वीक मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या कर लेती है डिटेक्ट, अगर किसी जगह पर ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है या बहुत कम आ रहा होता है तो वहाँ पर वो रेडिएशंस का वैल्यू कुछ हो रहा जाता है रीडिंग का, वहाँ से पता चले ये हिस्सा अब नॉर्मल काम कर रहा है, ठीक है वो ये होता है, ठीक है जी, चलो जी।